हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्राची एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद प्राची। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये मूंग दाल खा रहा है और मैं जा रही हूँ भी किचन में। देख के आते हैं मिस्टर अश्विन आज क्या कुक करने में लग रहे हैं, क्या बना रहे हैं आज वो मेरे लिए। आज उनकी ड्यूटी है बनाने की, तो चलो चलते हैं किचन में, मिलते हैं उनसे। हेलो, सो क्या बना रहे हो आज आप मेरे लिए? एक्चुअली आज ना मेरी वाइफ को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए थोड़ा सूप बनाया जाए। अरे वाह, मुझे पसंद और भी है। इसकी तबीयत भी डाउन है, तो इसके लिए मैं थोड़ा दाल पाल या फिर कुछ चपाती तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, उतरे इतना बहुत है। नमक डाल रहे हो दाल में? दाल बना रहे हो आज? आज तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है सच में, मैं मरी जो। एक तरफ बन रहा है सूप और एक तरफ बन रही है दाल पालक, तो देखो अच्छे अच्छे लोगों को फीलिंग आ जाएगी वो बीमार है। तो मुझे तो बीमार होते हुए भी फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं सच में ही बीमार हूँ। अब मजा भी आ रहा है सेवा करवाने में। वैसे तो क्या योर डिलीशियस सूप इज रेडी, देखते हैं पसंद आता है नहीं। ओ चोर पकड़ा गया आज तो, बिग बॉय चोर है, चोर पकड़ा गया। देखो क्या देख रहे हो, मैं अभी इसे पिलो के नीचे रख के गई थी, इनका फोन था, मुझे लगा इसे नहीं मिलेगा। और ये देखो मूंग दाल तो साइड में हो गई इसकी, ये रखी हुई। और हमारे भाई साहब क्या करने में लग रहे हो आप रुद्र, क्या है ये बताओ? मम्मा को बोल के बताओ। और इसे कहीं से फोन मिल गया, तो आज ये फोन देखते हुए पकड़ा गया है। तो आज आप फोन में लग गए है ना मम्मा के बिना, मम्मा से बिना मांगे रुद्र। रुद्र गंदी बात है ना बेटा, फोन क्यों देख रही हो आज आप? क्या देख रहे हो फोन में? आज बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, सुबह भी लेट जग गई थी और मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने के। तो आज संडे भी था, तो मैंने इनकी ड्यूटी आज संडे को किचन में लगा दी। अभी आटा लगा रहे और मेरे लिए सूप बनाया, मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसा बना है। अच्छा बना है वैसे तो, थोड़ा सा स्पाइसी कर दिया बट ठीक, मुझे स्पाइसी की नीड भी थी। और ये देखो हमारे इसको क्या मिला है आज, इसने मूंग दाल को साइड में रख दिया और फोन में लग गया। मैं इसे फोन कम यूज में लेने देती हूँ, बट जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होती मैं थोड़ा बहुत इसे फोन दे देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि मैं इसको एंटरटेन कर सकूँ, इसलिए उस दिन इसके मजे हो जाते हैं। वैसे आज मैंने फोन नहीं दिया था, मैं इसे मूंग दाल दे के किचन में गई थी कि क्या कर रहे हैं पता करने के लिए, बट इन्हें इसके साथ फोन दिख गया बेड पे, मैंने साइड में रखा हुआ था। और जब मिल गया तो लॉक तो मैंने लगा नहीं रखा, तो ये उसमें कोको मेलन देख रहा है। क्या कोकोइन? कोको मेलन ऐसे ही बोलते हैं। चलो मैं सूप पी लेती हूँ वरना ठंडा हो जाएगा, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये क्या कर रहे हो आप? दाल पालक। ये दाल पालक है तो मुझे पता है, आप क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। इसको फ्राई करने की तैयारी। फ्राई करने की तैयारी या फिर फ्राई कर रहे हो? अभी तैयारी चल रही है, थोड़ी देर में फ्राई हो जाएगी। अच्छा अभी प्रोसेसिंग चल रही है। क्यों रोए आप? क्या हुआ बेटा, क्यों रोए थे? ये आपको पसंद नहीं है? ठीक है मम्मा, आप दाल खा लो बेटा, आप दाल नहीं खाओ आज। नहीं मम्मा, आपको टैक्टर लगा के देगी, आपको टैक्टर पसंद है ना? क्या देखोगे आप मम्मा को बताओ। अच्छा ओबीडियंट बेबी बन के बैठ गए, ट्रैक्टर देखोगे आप? लो क्या देख रहे हो? और आप मम्मा को जोनी जोनी सुना दोगे? आप देखो मम्मा आ रही है ना बेटा। सो माय डियर हस्बैंड, अभी मैं तीखी मिर्ची डाल रहा हूँ, मुझे लग रहा है तो मुझे ज्यादा मिर्ची के खिला के मारने वाले हैं। पहले सूप में मिर्ची, अब दाल में मिर्ची। एक्चुअली खाना रुद्र के लिए भी है,
तो इसमें मिर्ची में थोड़ी सी कम रखी है, थोड़ी नहीं बहुत ही कम रखी है, बहुत कम रखी है क्योंकि रुद्र भी तो खाएगा इसमें, मेरे साथ ये चीटिंग नहीं कर सकते कि मुझे मिर्ची का खिलाए। अब जरूर ऐड कर सकता हूँ मैं, जैसे सास बहू सीरियल से होता है। क्या 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 बोल रहे हो आप, बदला लेंगे पूरा का पूरा आज मुझसे, है ना, कुकिंग का इतना मस्त है ना। हाउ इज लुक, इट्स यम्मी। चलो मैं आपको दाल का फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। अभी हम लोग बाहर आ गए हैं पार्क में क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी आ रही थी और विंटर में धूप बहुत अच्छी लगती है। वैसे संडे को मोस्टली पार्क में भी आते हैं या फिर कहीं ना कहीं तो बाहर जाते ही जाते हैं, जहाँ भी हमें कंफर्टेबल लगता है प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो आज हम आ गए पार्क में और ये और इसके पापा कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज मॉडर्न तरीके से, और यहाँ पर रुद्र ने बहुत एंजॉय किया। मेरा मन कहता है मैं इसे डेली पार्क में लेके आऊँ, बट पार्क थोड़ा सा दूर है तो मैं डेली नहीं लेके आ सकती। और यहाँ पे इसने नए फ्रेंड्स भी बना लिए थे, बच्चे जब बच्चों के साथ खेलते हैं एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो इसके साथ ही बहुत देर तक खेल रहा था। अगर किसी को एक्सरसाइज करनी और नियर बाय पार्क है तो ये बहुत अच्छी जगह है एक्सरसाइज करने के लिए और इजीली आप कर भी लोगे। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है यहाँ पर एक्सरसाइज करना तो मुझे अच्छा लगा, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए अगर किसी को वेट लॉस करना है तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे सब लोग होते हैं और सब लोग कर भी रहे होते हैं ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, करने का मन भी करेगा। मैं तो प्लानिंग करके नहीं गई थी कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, ऐसा कुछ ट्राई करना है, बट यहाँ सब लोग कर रहे थे, मैंने सोचा कैसे करते हैं क्या करते हैं तो चलो करके देखते हैं। और साइड में ये और इसके पापा खेल रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए और कंटेंट बनाने के लिए, तो सब कमेंट जरूर कीजिए। और करो कितना शर्माता है, तुम छोड़ो वो देखो कितना क्यूट से हेलो कर रहा है। हेलो करो, ये तो इसकी यहाँ पे इसके दो फ्रेंड्स भी बने थे। और आपको मैं बताऊँ रुद्र के नेचर बहुत ज़्यादा शाई है, ये किसी के साथ इतने इजीली खेलता नहीं है, बात नहीं करता। शायद कोविड बेबी होने की वजह से कभी मैं इसको बाहर नहीं लेके गई थी, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। मैंने इसके नेचर में नोटिस किया कि इसको लोगों के साथ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मे बी शायद मैं इसे बाहर लेके जाऊँ लोगों के साथ खेलने के लिए, इसे अप्रिशिएट करूँ तो ये फ्रेंडली बने, बट अभी तो ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। तब तक किसी को जानेगा नहीं ना तब तक ये नहीं खेलता, फिर बाद में फिर भी थोड़ा थोड़ा खेलने लग जाए, बट स्टार्टिंग में बहुत शर्माता है ये। और यहाँ पे ये बच्चा इसके साथ बहुत मस्ती कर रहा था, इसने बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता है गिनने की, देखो कितनी अच्छी एक्टिंग की है इसने। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।